नवाब मलिक ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें काफी सनसनीखेज आरोप मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर लगाया। यहां तक कि समीर वानखेड़े के साथ मिलकर मोहित कंबोज एक जो वसूली का रैकेट है प्राइवेट आर्मी वो चला रहे हैं। इस समय हमारे साथ मोहित कंबोज जी खुद मौजूद हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए। यहां तक कहा गया कि वानखेड़े के साथ मिलकर आप प्राइवेट आर्मी चला रहे हैं जिसमें जो किडनैपिंग है और वसूली है वो तक शामिल है, क्या कहेंगे? एक महीने से क्या हुआ था, नहीं चला रहा था? एक महीने से क्यों चुप थे इस बात पे? आज ही क्यों आए कि मैं रैकेट चला रहा था? और अगर मैं रैकेट चला रहा था तो महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, नवाब मलिक जी की और उनकी पार्टी क्या कर रही थी, हम भी उनके पास है। देखिए, कल मैंने सुनील पाटिल का जो विषय निकाला, जो एक झूठी कॉन्ट्रोवर्सी और रचना नवाब मलिक जी और उनके लोगों ने एक देश में रची थी, उसके पीछे क्या मंशा थे, कैसे सैम डिसूजा और सुनील पाटिल का एक चैनल बनाकर किरण गोस्वामी को डालकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ बदनाम करना हो, यहाँ कुछ इंटेल देने की बात करके ये पूरा केस हुआ आर्यन खान का, जब इसके आज तक कल से पहले कभी सुनील पाटिल का जिक्र नवाब मलिक जी ने नहीं किया। कल मेरे बोलने के बाद आज सुनील पाटिल से उनकी बातचीत भी हो गई, विजय पगारे से भी बातचीत हो गई, आज उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो सुनील पाटिल के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या रिश्ते हैं? लेकिन उन्होंने तो डिनाई किया कि सुनील पाटिल कभी एनसीपी से जुड़े नहीं रहे हैं। आपने बताया कि करीबन 21 साल पुराना रिश्ता है, इससे डिनाई है। कल तक तो सुनील पाटिल की बात भी नहीं करते थे, पूरी केस की बात करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? अब सच्चाई सामने आई है तो ये तो हो गई ना। आज मैंने जो सच्चाई पूरी स्टोरी की, जो सलीम जावेद की झूठी स्टोरी चलाते थे, मैंने इनको असली चेहरा और इनका चेहरा दिखाया, तो अब ये खिसकियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो सुनील पाटिल इनका आदमी है, आज कैसे वो बात करता है कि 21 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्रियों के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र में काम करता था। उसने अभी के भी होम मिनिस्टर साहब का नाम लिया, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसने पूर्व होम मिनिस्टर साहब का भी नाम लिया। अभी के जो होम मिनिस्टर अरेस्ट है ईडी में, उसके इंक्वायरी में भी, उनकी इंक्वायरी में भी उसका नाम है। उनके बेटे के साथ अच्छे संबंध हैं। ललित होटल में जो शराब शबाब कबाब और नवाब रहते थे, पार्टी होती थी, उसमें कौन कौन जाता था राष्ट्रवादी कांग्रेस वाला, ये तो वीडियो लगाने वाले थे, किधर है वीडियो? देखिए क्या हो गया, जैसे जैसे फंदा उल्टा इनके गले में जा रहा है और लोग देख रहे हैं कि कैसे झूठी एक नैरेटिव, झूठी स्टोरी नवाब मलिक जी पिछले एक महीने से टीवी पे लोगों को दिखा रहे थे, वैसे 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 ये बौखलाहट है और झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने बिना कोई सबूत, बिना कोई प्रूफ। प्रूफ तो बताओ आप, प्रूफ होटल में तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पहले वानखेड़े जी का प्रूफ कहा है, नहीं है इनके पास। ललित होटल के प्रूफ मैं आपसे पूछूंगा, सरकार इनकी है, शासन इनका है, प्रशासन इनका है, ललित होटल से वीडियो तो लाओ, किधर है? देखिए बिना प्रूफ के किसी पे, कल को मैं आप पे कोई भी आरोप लगा दूं, प्रूफ तो दो। मैंने आरोप लगाए तो मैंने सैम डिसूजा सुनील पाटिल की चैट दिखाई, मैंने उनके ऑडियो कन्वर्सेशन सुनाए, मैंने सैम डिसूजा का पूरा वीडियो का उसका कन्फेशन सुनाया, पूरे प्रूफ के साथ रखा कि कैसे बैक टू बैक, हैंड टू बैक इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी है। किरण गोस्वामी का नंबर सैम डिसूजा को सुनील पाटिल ने भेजा, कल तक तो किरण गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, आज किरण गोस्वामी सुनील पाटिल का आदमी हो गया है, सुनील पाटिल के रिश्ते इन्होंने खुद कबूल लिए, इनके साथ बातचीत है, सब कुछ है। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर इन्होंने खुद ही कबूल लिया कि जो की पर्सन था उससे नवाब मलिक की बातचीत थी और उनकी जानकारी दोस्ती थी, ये बात को उन्होंने कबूल लिया। इन्होंने दाढ़ी वाले की बात करते थे, मैंने बोला भाई दाढ़ी वाले के एक महाराष्ट्र के मंत्री के साथ संबंध है, मैं एक महीने से बोल रहा हूँ, तो इस पे ये जवाब नहीं देते थे। आज इन्होंने खुद ही बता दिया कि महाराष्ट्र को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश हो रही थी, दाढ़ी वाला जो कासिफ खान है वो असलम शेख जो एक मिनिस्टर हैं उनको बार बार फ़ोन करता था, पार्टियों में बुलाता था। भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जो दाढ़ी वाले को ये किंग पिन और ड्रग पेडलर और ड्रग माफिया बोलते थे, करते थे, उससे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बात क्यों करते हैं, क्या रिश्ते हैं, बार बार उसको क्यों, जब अगर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि ड्रग माफिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।